सो गुड नून टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं उसके लेसन प्लान के अनुसार हमको लीक डिटेक्शन मेथड्स ऑफ रेफरेंट यानी प्रशीतक के रिसाव को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के बारे में जानना है। इसमें अभी तक इस क्लास को अटेंड करने के पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रेफरेंट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर मैं केवल नाम बता रहा हूँ, अमोनिया जो कि कोल्ड स्टोरेज में यूज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रियान ग्रुप मोस्टली जो यूज होता है, कई जगह पर मिथाइल क्लोराइड या आइसोब्यूटेन जो कि फ्लेमेबल रेफरेंट है वो भी यूज किए जाते हैं उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। इस क्लास को अटेंड करने के पहले मैंने आपको यूट्यूब पर एक वीडियो दिया था कि उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, बुक या क्यूबी में टॉपिक भी पढ़ लिया होगा और आप लोगों ने रिसाव को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के कम से कम नाम के बारे में आप समझ गए होंगे। तो कुछ नाम आप बता सकते हैं कोई भी एक? ये सर प्रेशर मेथड। प्रेशर मेथड, वेरी गुड। वैक्यूम मेथड, हाँ लीकेज को हम जो पता करते हैं वो काफी कुछ निर्भर करता है कि रेफरेंट कौन सा है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पर हम देखें कोल्ड स्टोरेज में मोस्टली हमारा अमोनिया यूज होता है, तो हम अमोनिया के बारे में जाने कि अमोनिया रेफरेंट कैसे पता ना, अमोनिया रेफरेंट यदि है तो उसका लीकेज कैसे पता हम लगा सकते हैं। अमोनिया समवट लेवल पर टॉक्सिक भी होता है और ये क्षारीय होता है, अल्कली। अगर आप देखें पानी की वैल्यू 7 है, अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो एसिडिक होता जाता है, ऊपर जाते जाते हैं तो क्षारीय होता जाता है। तो बेसिकली अमोनिया जो है वो अल्कली या क्षारीय है, ये है। इसमें तीन मेथड्स हैं, आप तीन मेथड के द्वारा लीकेज पता कर सकते हैं। तो पहला वाला है टेस्ट पेपर, ये चीपेस्ट मेथड है और कोल्ड स्टोरेज में मैक्सिमम मोस्टली यही यूज किया जाता है क्योंकि इसको खुद ही बना लेते हैं। इसको बनाने की प्रक्रिया ये है कि आपका कोई भी सॉफ्ट पेपर लो, आप एक पेपर लें उसको आप डिप कर दें, भिगो दें, इसमें एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 ग्राम फेनाफ्थलीन है। फेनाफ्थलीन एक केमिकल है जो आप लोग यूज करते थे, वो उसमें आपने देखा होगा केमिकल केमिस्ट्री में जब करते थे छोटा सा वो कलर चेंज वाला मिलाते थे, आप याद है वो पिंक कलर हो जाता था, वो फेनाफ्थलीन। यस सर। उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में 0.5 सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम फेनाफ्थलीन रहता है और 1 पिंट, पिंट को बेसिकली ये ब्रिटिश यूनिट है, गैलन का 8वां हिस्सा होता है ये, लेकिन यदि हम हमारी भाषा में समझे तो 16 ड्रॉप 16 ड्रॉप यदि अपन कर लें ड्रॉपर से अल्कोहल के, तो इससे हम सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब पानी रहेगा उसमें 0.5 ग्राम फेनाफ्थलीन और 16 ड्रॉप अल्कोहल, और इसके बाद हम टेस्ट पेपर को उसमें भिगो देंगे। ठीक है, यहाँ पर भिगोने के बाद फिर हम इसको सूखने रख देंगे और सूखने रखने के बाद जब पेपर अपना कड़क हो जाएगा, जैसे नोट गीला हो जाता है इसके बाद सुखाते हैं तो थोड़ा कड़क हो जाता है, तो उसको हम पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेंगे। ठीक है, और जब हमको ये पता करना हो कि अमोनिया का लीक हो रहा है, स्मेल से पता लग जाएगा कहाँ से हो रहा है, एग्जैक्टली पता करना हो, तो उस केस में आप क्या करें कि इस टेस्ट पेपर को जो आपने तैयार किया है उसको आप गीला कर लें पानी में, है ना, तो अमोनिया जहां पर प्रेजेंट है तो वहां पर इसका कलर चेंज होगा और कलर जो होगा वो आपका इसका कलर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका कलर हो जाएगा, ये खास चीज याद रखने की है, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। ठीक है ना, समझ गए आप? यानी इस मेथड में क्या करना है, हमको एक पेपर लेना है, सॉफ्ट पेपर जो आते हैं अपने, उनको एक सॉल्यूशन बनाना है 0.5 ग्राम फेनाफ्थलीन हो और 16 ड्रॉप अल्कोहल के हो, 1 पिंट करके हो, और उसमें सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। जब हमको यूज करना है उस समय हम क्या करेंगे कि गीला करके उस पेपर को लेके जाएंगे, जहां पर अमोनिया होगी वहां पर इसका कलर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा कलर, पिंक कलर। क्लियर, तो ये एक मेथड है अमोनिया को पता करने की, सबसे चीपेस्ट मेथड है। लेकिन रेडीमेड तरीके से आपको पता करना हो तो एक लिटमस पेपर आता है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लिटमस पेपर। यस सर, पढ़ा है। लिटमस पेपर का यूज ये होता है कि उसको जब हम यूज करते हैं तो वो
अपना सॉल्यूशन एसिडिक है या एल्केलीन है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है, इसका कलर चेंज होकर बता देता है। जैसे एट द मोस्ट चले अपन जिसकी पीएच वैल्यू 1 होती है, यदि हम उसमें डुबो दें तो वो अम्लीय होने के कारण क्या बना देगा, लाल कलर का हो जाएगा, और जबकि यदि क्षारीय होगा तो 14 जो हमारी पीएच वैल्यू रहती है उसमें हम जाएं तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। राइट, ये समझ आ रहा है? तो लिटमस पेपर एक ऑलरेडी केमिकल, ये तो टेस्ट पेपर को अपन ने तैयार किया था, बट लिटमस पेपर ऐसा है जो ऑलरेडी मार्केट में मिलता है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसको गीला करेंगे और इसके बाद क्योंकि अमोनिया जो लीक हो रही है उसमें मॉइस्चर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कलर चेंज हो पाए, तो हम इसको गीला करके ले जाएंगे, जहां पर भी अमोनिया लीक हो रहा होगा वहां पर इसका कलर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका कलर? ब्लू हो जाएगा सर, ब्लू नीला। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसकी, ये प्रॉपर्टी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी एल्केलीन, एल्केलीन में जब भी डालते हैं अमोनिया क्या है, एल्केलीन है ना, तो एल्केलीन में इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो पहली मेथड टेस्ट पेपर, दूसरी मेथड लिटमस पेपर, इसके बाद हम आते हैं सल्फर टेस्ट, तीसरा और होता है सल्फर। आप लोगों ने मोमबत्ती देखी होगी, वैक्स की बनती है, मोमबत्ती देखी ना कैंडल? यस सर। अब उस कैंडल में हम सल्फर घोल करके और सल्फर की कैंडल बनाए, मतलब सल्फर रहे और वैक्स रहे और कैंडल बन जाएगी। चूंकि अमोनिया जो है इनफ्लेमेबल नहीं है, मतलब ज्वलनशील नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि सल्फर की जो मोमबत्ती है उसको जला के लेके घूमेंगे। पिक्चर में होता है ना, वो मोमबत्ती जला के घूमते रहते हैं, तो जहां पर भी आपका वाइट वेपर, मतलब क्या बनेंगे, पेपर नहीं, क्या बनेगा, वेपर, मतलब वहां पे सफेद सफेद धुआं जैसा आ जाएगा, समझ रहे हैं आप? यस सर, है ना, मतलब सफेद सफेद धुआं। अब यदि आप देखें कि ये क्यों हो रहा है, हम देखें, हम अमोनिया का टेस्ट कर रहे हैं और जो जल रहा है वो क्या है, सल्फर, तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। किसी के माइक में पीछे से आवाज आ रही है, कृपया उसे बंद कर ले, अपना म्यूट, डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सल्फर की कैंडल को जलाई तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनियम सल्फेट बनाएंगे, जिसकी फ्यूम्स जो होंगी वो कौन सी होगी आपकी, अमोनियम सल्फेट बनने के बाद कौन सी होगी, व्हाइट वेपर्स, समझ गए, व्हाइट वेपर्स, ये वाली चीज जो देख रहे हैं ना, सफेद धुआं जैसा निकलेगा, स्मोक जैसा। तो आपने कैंडल को लेकर के गए, लेकिन जहां पर सफेद सफेद धुआं जैसा निकलने लगा, मतलब वहां पर क्या है, अमोनिया लीक हो रही है। तो यदि हम इसको समरी करें अमोनिया के लिए, तो अमोनिया के टेस्ट की मेथड्स के बारे में बात करें, तो हमने तीन मेथड देखी है। पहली कौन सी है, टेस्ट पेपर जो हम बना ले बल्क में, यदि यूज करना आसान है बनाना, सुखा ले, तो जब हमें चेक करना हो उसको हम गीला करें और जहां पर लीक हो रहा है वहां ले जाए, उसके बाद फिर क्या होगा वहां पर लीक में, उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। दूसरा है लिटमस पेपर, जहां लीक हो रहा है वहां हम ले जाए गीला करके, तो वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी है यदि एसिडिक है तो लेल लाल एक्सट्रीम और इधर ब्लू, इसके बीच में कलर शेड चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन पीएच वैल्यू। और तीसरा सल्फर टेस्ट है, सल्फर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक कैंडल बना के ले जाते हैं और जहां पर अमोनिया होगी वहां पर अमोनियम सल्फेट का धुआं निकलता दिखेगा, मतलब अमोनियम सल्फेट बनने के कारण जो व्हाइट स्मोक निकलेगी वो निकलेगी। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो अमोनिया का लीकेज हमने पता कर लिया। अब दूसरा रेफरेंट पे जाते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिसका नंबर क्या होता है 700, क्योंकि इनऑर्गेनिक है, 764 जो हमने पढ़ा था रेफरेंट में, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसमें उल्टा करें, हम क्या कर रहे थे, अमोनिया में, अमोनिया लीकेज में सल्फर की कैंडल जला रहे थे, सही है ना, राइट? तो अमोनियम सल्फेट बन रहा था, अब हम क्या करें कि सल्फर डाइऑक्साइड लीक हो रही है, तो हम एक कपड़े को ले उसको अमोनिया में भिगो ले, अमोनिया भीग जाएगा वो कपड़ा, और उसकी मशाल बना ले, है कि नहीं, अमोनिया जो है अमोनिया को कपड़े में लपेट के गीली मशाल जैसी बना ले, और जहां पर मतलब एक लकड़ी में लपेट ले उसको गीला गीला, तो मशाल जैसी बन जाएगी, आग नहीं लगाना है ना। और अमोनिया को लेकर के जब हम गीला करके कपड़े में लपेट के अमोनिया को लेकर के जाएंगे जहां पर लीकेज है, तो वहां पर क्या होगा, अब आप बताइए, अगर लीक हो रहा है तो क्या होगा, क्या दिखना चाहिए, धुआं दिखना चाहिए, कौन से कलर का दिखना चाहिए,
व्हाइट एक व्हाइट स्मोक है ना, मतलब दोनों अगर आप टेस्ट को पढ़े तो अमोनिया के लिए सल्फर कैंडल है और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अमोनिया में भीगा हुआ कपड़ा ले जाए, तो क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तो पहला हमने देखा कि रेफरेंट का लीकेज पता करने के लिए मेथड्स जो है बेसिकली वो किस पर निर्भर करती है, रेफरेंट कौन सा है जिसको लीक कर रहा है, तो अमोनिया, इसके बाद हमने कौन सा देखा, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला तो फ्रियॉन है कि नहीं? आप देखिए आपके घरों के रेफ्रिजरेटर में, एसी में, इनमें क्या यूज किया जाता है, फ्रियॉन। तो फ्रियॉन का लीक कैसे पता करें हम? तो फ्रियॉन के लीक भी दो तरीके से करते हैं अपन। पहला वाला है यूजिंग हैलाइट टॉर्च, हैलाइट टॉर्च का उपयोग करते हैं। हैलाइट टॉर्च स्पेसिफिकली फ्रियॉन के लिए यूज होती है, बहुत ही कन्वीनियंट है। ये टॉर्च किस प्रकार की होती है, देखें कि इसमें एक फ्यूल टैंक रहता है, यूजुअली प्रोपेन या ब्यूटेन करके गैस डालते हैं अपन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नॉब है लगा हुआ है और ऊपर एक कॉपर और एक बर्नर, इसमें आप आग लगा देंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पर फ्लेम जला देंगे आप, इससे जैसे अपना छोटा गैस का सिलेंडर होता है ना, लेके लगा दिया ऊपर आग लग रही है ना, और यहाँ से पाइप निकलता है। इस पाइप को लेकर के आप घूमिए जगह जगह, जगह जगह का मतलब ये है कि कहाँ से लीक होता है, यूजुअली जॉइंट्स के पास से, कोई बड़ा बड़ा वाला तो लीक होगा नहीं पाइप, तो जॉइंट्स के पास लेकर के जाएंगे आप जब इसमें, तो ये जो बना हुआ है अपना पाइप, इस पाइप के थ्रू क्या होगा, ये सेंस करेगा, इसके अंदर जाएगी फ्लेम में, तो यहाँ पर जो फ्यूल के साथ ये मिक्स होगा रेफ्रेंट फ्रियॉन, वो कलर चेंज करेगा फ्लेम का। कलर जो फ्लेम का होता है, फ्लेम का कलर यूजुअली कौन सा होता है जो अपन जलाते हैं, नीला, सही है ना? अपने गैस में, घरों में गैस जलती है तो कौन सा कलर होता है, नीला है ना? ये नीला कलर जो है वो आपका बदल जाएगा अगर लीकेज हो रहा है तो लीकेज में होने के बाद क्या हो जाएगा, ये चमकदार हरा, कैसा हो जाएगा, ब्रिलियंट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन, चमकदार हरा, समझ गया? तो हैलाइट टॉर्च आपने देख ली सामने है, हैलाइट टॉर्च आप समझ गए, एक केबल टैंक है जिसमें की गैस है, एलपीजी है, मतलब कोई भी फ्यूल ले सकते हैं आप, उससे फ्लेम जो होगी वो किस कलर की होगी, ब्लू की। लेकिन यदि यहाँ पर आपने पाइप जोड़ दिया, सर्च होज मतलब एक पाइप जोड़ दिया जिसमें आप ढूंढ के आप सर्च में जाएंगे और जाकर के देखेंगे कहाँ पर है मतलब लीकेज, जब आप उस लीकेज से जाएंगे तो वो फ्लेम का कलर क्या हो जाएगा, नीले से चमकदार हरा, ब्रिलियंट ग्रीन, तो हैलाइट टॉर्च। बस इसमें ये फ्रियॉन के लिए उपयोगी है क्योंकि फ्रियॉन का जो भी ग्रुप है वो ज्वलनशील नहीं है, तो फ्रियॉन के ग्रुप में ही हम हैलाइट टॉर्च का उपयोग करते हैं। और हैलाइट टॉर्च का जो लिए है वो मैंने सोर्स नीचे लिखा हुआ है, नेट से लिया हुआ है, तो आप जब भी कोई नेट से चीज लें तो उसका सोर्स जरूर लिखें, ठीक है ना, कहां से लिया, आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है उसमें भी ध्यान रखें। लेकिन होता क्या है, अपन यदि घरों में देखें, अपने घर में एसी का पता करने आ रहा है, कोई लीकेज पता करने आ रहा है, तो कोई हैलाइट टॉर्च नहीं लाता, ये मैकेनिक लोग क्या इतना टेंशन पालते ही नहीं है, बल्कि क्या बोलते हैं आपसे, एक काम करो, एक मग ले आओ, उसमें आप थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर मिला लाना, उसका घोल बना लेते हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सोप सॉल्यूशन। तो दूसरे सोप सॉल्यूशन इसके लिए नहीं, हर एक के लिए सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन में क्या होगा आप बताइए, आपने साबुन का घोल बनाया और पूरे पाइप पे जहां पर भी जॉइंट से वहां पर लपेट दिया, तो अब क्या होगा इससे, यदि लीकेज हो रहा है तो बताइए सर, बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे, बस यही पता है लीक पता करने का, क्या बनेंगे, बबल फॉर्मेशन, बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, वहां पर लीकेज है, बड़े बड़े बुलबुले मतलब ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा लीकेज है, छोटे छोटे बुलबुले मतलब कम लीकेज है। अपन कभी कभी एलपीजी सिलेंडर में भी डालते हैं, या आपने देखा होगा टायर लगाने वाले, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा देखिए बाकी किसी को आ रही है, यस सर हमको आ रही है सभी को सर, हाँ मतलब आप म्यूट कर ले आपका तो आएगी। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो साबुन का घोल बनाने की विधि जो है हर एक रेफ्रिजरेंट के लिए एप्लीकेबल है, और इसका अपन देखें कि जब वो अपन हवा भरवाने जाते हैं पेट्रोल लेने के बाद, तो वो वहां पर साबुन सॉल्यूशन भी करके थूक लगा देता है कि नहीं, यदि लीकेज होता है तो वहां पे क्या बनता है, बबल बनता है। लेकिन ज्यादा पता करना हो तो फिर तो आपको साउंड का घोल बनाना पड़ेगा उससे, तो ये फ्रियॉन ग्रुप के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी, ठीक है। तो फ्रियॉन ग्रुप के लिए तो हो गए एक हैलाइट टॉर्च और एक सोप सॉल्यूशन। अपन इसमें तीसरी मेथड और लिख दें, प्रेशर और वैक्यूम मेथड, प्रेशर वैक्यूम मेथड और वैक्यूम
वैक्यूम मेथड, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा प्रेशर और वैक्यूम में कि जब भी आप यूज करते हैं प्रेशर और वैक्यूम मेथड में, तो यहाँ पर आप जो है सेट प्रेशर यूज करते हैं, कंपाउंड गैस यूज करते हैं कि एलपी पे सपोज 2 बार रहे, एचपी पर 6 बार रहे, जो अपन ने कैलकुलेशन में देखे थे ना 2 बार और 6 बार रहते हैं प्रेशर। इस तरीके से अपन देखें कि प्रेशर मेथड को भी अपन यूज कर सकते हैं, चूंकि हमारे ऑलरेडी गेज लगे हुए हैं और गेज लगे हुए में यदि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या बढ़ रहा है, होगा क्या कि प्रेशर क्या होगा इसमें बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा मतलब क्योंकि 2 बार से कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहाँ हो रहा है वातावरण में लीक होगा, या 6 बार से कम होना शुरू होगा, तो जहां पर भी हो रहा है तो वो बता देगा, और वहां पर कैसी निकलेगी सीटी जैसी आवाज निकलेगी जब भी लीकेज निकलेगा, तो है ना। तो विस्लिंग साउंड मतलब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, साउंड के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि लीकेज हो रहा है। तो ये 3 मेथड है, इसमें से सोप सॉल्यूशन और प्रेशर मेथड हर एक रेफ्रिजरेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं जो भी लीक है, बट स्पेसिफिकली जो है अमोनिया के लिए सल्फर की कैंडल या सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अमोनिया का यूज किया जाता है, या टेस्ट पेपर या लिटमस पेपर यूज करते हैं। लेकिन फ्रियॉन के लिए हम यहाँ पर 3 मेथड ले रहे हैं, प्रेशर और वैक्यूम, सोप सॉल्यूशन या फिर हैलाइड टॉर्च। ठीक है, हैलाइड टॉर्च आप देख लें आजकल बहुत मतलब यूज फ्रियॉन में यही होती है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने ज्वलनशील। अब हम हैलाइड टॉर्च वहां तो यूज कर नहीं सकते जो ज्वलनशील है, सही है ना। ज्वलनशील मतलब कौन से होगा, मिथाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटेन, इनका यूज तो हम कर नहीं सकते हैं। तो ज्वलनशील के लिए हम क्या करेंगे बताइए, कौन सी मेथड करेंगे इसमें से, बोलिए सर। सोप वैक्यूम प्रेशर सर, सोप वाली मेथड से जलेगा नहीं, सोप सॉल्यूशन इज द बेस्ट, लेके लगा बेस्ट विल साबुन का घोल, साबुन का घोल की आप विधि लिखने की जरूरत नहीं है ना, एक मग लिया उसमें साबुन का पाउडर डाला, इसको लगे घोल दिया और जेकर के जहां जाए जॉइंट पे हम लगाएंगे, जॉइंट पे लगाने पे वहां पर क्या होंगे बबल फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब लीकेज है, फिर हम उसको टाइट कर देंगे या फिर लगा के देखेंगे, यदि वो बंद हो गया बबल बनना तो मतलब क्या होगा हमने लीकेज को रोक लिया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका आखिरी वाला अभी जो आ गए हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पकड़ते हैं सैंपल का, सैंपल जैसे मान लीजिए एयर है तो एयर का रेसिस्टेंस इनको पता है ऑलरेडी बताएगा, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज होगा इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है फिर लीकेज हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। वोल्टमीटर मीटर देखा है ना, उसमें 2 रॉड लेके ऐसे लगाते हैं, अब उसमें क्या है उसी तरह का हैंडहेल्ड डिवाइस है, आप एक प्रोब लगी आगे आप लेकर के घूमते रहिए तो एक वैल्यू बताएगा जो भी वैल्यू मतलब एयर के रेसिस्टेंस की है, लेकिन जैसे ही आप जहां लीकेज होगा तो वहां पर वो रेसिस्टेंस में क्या होगा चेंज होगा, क्योंकि कंटेंट आपका बढ़ रहा है एयर में, तो वहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका वो बताएगा कि करंट फ्लो का मतलब डिजिटल चेंज होगा करंट फ्लो में, उससे क्या पता लगेगा लीकेज। यहाँ पर ये लीकेज के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बता सकता है फ्लोमीटर के द्वारा कि कितना लीकेज हो रहा है, ये इसकी खासियत, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा है यहाँ पर कितनी मेथड होती है अपन ने जो यहाँ पर पढ़ी है। पहली बात तो मेथड ये आप जो पहले बोल रहे थे कि सर सोप सॉल्यूशन प्रेशर या वैक्यूम, ये दो नाम आपने लिए थे, जैसे या आप एक और जोड़ लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक, दीज आर द यूनिवर्सल लीकेज राइट। लेकिन स्पेसिफिक यूज की बात करेंगे तो वहां हमें टाइप्स ऑफ रेफरेंट पर जाना पड़ेगा। अब अमोनिया के लिए हमने देखा 3 मेथड है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमने देखा 1 मेथड है, अमोनिया के कपड़े को लपेटो और लेके जाओ तो वहां अमोनियम सल्फेट का धुआं निकलेगा सफेद रंग का। कलर का ध्यान रखिएगा आप, है ना। और इसमें फ्रियॉन में हैलाइड टॉर्च यूज करेंगे, तो यदि लीक हो रहा है तो फ्लेम आपकी जो फ्लेम जल रही है अभी नीले रंग की है वो क्या हो जाएगी चमकदार हरी हो जाएगी राइट, चमकदार हरी हरी हो जाएगी। और यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है वो आपका पिंक में हो जाएगा, लिटमस पिंक कलर हो जाएगा, हाँ लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाएगा राइट, ब्लू हो जाएगा फर्स्ट टेस्ट में व्हाइट स्पॉट निकलेगी। तो हमारे आज के लेक्चर का उद्देश्य यही था कि ये एग्जाम में आता है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ लीक डिटेक्शन बताए, तो आज हमारे सिलेबस में जो जो मेथड्स ऑफ रेफरेंट लीक डिटेक्शन है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है, 5-6 उसमें भी सब ग्रुप बने हुए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा कंपोनेंट ऑफ बीसीआर, ये डिटेल में पढ़ेंगे जो कि ये भी है ना। अच्छा पेपर का कोई इशू तो नहीं है, पेपर सबको मिल गए हैं सर, मिल गए हाँ। अब मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि अभी तक पढ़ा दिया और नहीं आ रहा समझ में, तो आप नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन को या व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, है ना।
ठीक है जी सर। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि अभी अपन कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे तो मैं अब आप लोगों से सभी से चाहूंगा कि आप लोग जो है एब्सेंट जो है उनके नाम मुझे बता दें तो ये अपनी अटेंडेंस हो जाएगी।